एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद एटा के ब्लॉक निधोली कला में स्थित रफत नगर सैंथरा गांव पड़ा। इस गांव की दूरी ब्लॉक से 5 किलोमीटर है, तो वहीं जिला मुख्यालय से यह गांव 20 किलोमीटर दूर स्थित है। वर्तमान समय में ग्रामवासियों ने कुंवर पाल सिंह को अपना ग्राम प्रधान चुनकर गांव के विकास की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी है। लगभग 6500 की आबादी एवं 4000 वोटरों वाला यह गाँव विकास के पथ पर अग्रसर है। गाँव में 525 राशन कार्ड धारक लाभार्थी है। बात अगर शिक्षा के स्तर की करें तो गाँव की प्राइमरी पाठशाला व जूनियर हाई स्कूल में लगभग 450 विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। वहीं गांव में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 100 हैंडपंप लगे हुए हैं, जिसमें से वर्तमान प्रधान द्वारा खराब हैंडपंप रिपेयर कराए गए हैं। विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए गांव में 300 विद्युत पोल, 12 विद्युत ट्रांसफार्मर व 60 सोलर लाइट भी लगी हुई है। वहीं बात अगर विकास कार्यों की करें तो वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में सीसी टाइल्स रोड, 10 खडंजे, पानी निकासी के लिए नाली व पुलिया का निर्माण कराया गया है। साथ ही वर्तमान प्रधान की देखरेख में स्वच्छ भारत मिशन के तहत 50 इज्जत घरों, 2 लोहिया आवास व प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 15 आवासों का भी निर्माण कराया है। एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान ने गांव में सीसी टाइल्स रोड, खडंजा, पानी निकासी के लिए नाला, बारात घर, आंगनबाड़ी केंद्र, स्वास्थ्य केंद्र, स्वच्छ भारत मिशन के तहत इज्जत घरों व प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवासों के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। ब्लॉक का नाम निधोली कला, ज़्यादा में अपने 10 घंटे 7 सौर ऊर्जा लाइट है, स्कूलों में टाइल्स लगवाई है, ताले बनवाए और जो कार्य है वो चल रहा है। 15 प्रधानमंत्री आवाज बनाई और 2 लोहिया आवाज बनाई, एक बारात घर, आंगनवाड़ी केंद्र, स्वास्थ्य प्रधानमंत्री आवास।